बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स, यानी सम आई एफ जिसे सम इफ कहते हैं और सम आई एफ एस जिसे सम इफ्स कहते हैं, इन दो का कंपैरिजन हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। ये दोस्तों, मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है और नेट अमाउंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये हमने ने ये प्रोडक्ट रिवाइज हुआ एलसीडी कई मरतबा आया है, इस तरह मोज इसमें एक दफ़ा आया और कीबोर्ड कई मरतबा आया है। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम सम इफ़ का फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ कि सम इफ्स कहाँ पर अप्लाई होता है। सबसे पहले सम इफ को अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है। तो दोस्तों, रेंज में हमने ये जो प्रोडक्ट नेम का लिस्ट है इसको सेलेक्ट करना है और इसको दोस्तों F4 के साथ फिक्स करना है। क्यों दोस्तों हमने इसको फिक्स करना है? क्योंकि ये आगे दोस्तों ड्रैग करना है हमने कामा। अब दोस्तों हमसे क्राइटेरिया मांग रहे हैं, तो क्राइटेरिया में दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दे कामा। अब दोस्तों सम रेंज हमसे मांग रहे हैं, तो सम रेंज में दोस्तों ये जो नेट अमाउंट का लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दे और इसको भी दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दे। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर LCD जितनी मरतबा आया है उसका अमाउंट आपस में जमा हुआ है और यहाँ पर इसका टोटल निकला है। इस तरह मोस्ट, चूँकि यहाँ पर एक मरतबा है हमारे पास, इसका वन टाइम अमाउंट यहाँ पर आएगा। कीबोर्ड कई मरतबा यूज़ हुआ है, इसका जितना भी अमाउंट है जितनी मरतबा है वो आपस में जमा होकर यहाँ पर टोटल निकल आएगा। इसको दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मोज जो है वो यहाँ पर 1200 वन टाइम यूज़ हुआ है, लिस्ट में आया है, इस वजह से ये 1200 आ रहा है। कीबोर्ड 48000 इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर दो मरतबा ये है और एक मरतबा 3800 ये है। 35000 ये है क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्राइस हमने ज़्यादा दिया है। यहाँ मैं इसको कम कर लेता हूँ, 320 कर लेते। तो आप देख रहे हैं 13320 12720। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल निकालते हैं, आल्ट alt इक्वल टू का साइन, alt का बटन प्रेस करें और साथ जो प्लस का बटन है इसके नीचे दोस्तों इक्वल टू का साइन है, इसी बटन को प्रेस करें, एंटर करें। यहाँ पर दोस्तों इसका टोटल आ रहा है 1,49,304, इसको बोल्ड कर दें। यहाँ इसको जमा कर लेते हैं, alt इक्वल टू सम का फंक्शन है, एंटर करें, 1,49,304। तो आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, 1,49,304 1,49,304। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सम इफ़ का फंक्शन इफ्स यानी सम आई, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सम इफ्स का फंक्शन अप्लाई करते हैं। यही आइटम मैं इधर ले आता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, इसको मैं खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पर सम इफ्स को अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम इफ्स इनटू सम रेंज हमसे मांग रहा है, तो इस नेट अमाउंट वाले लिस्ट को सेलेक्ट कर दे जो हमारा नेट अमाउंट है कामा। क्राइटेरिया रेंज हमसे मांग रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज दोस्तों ये प्रोडक्ट नेम का जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दे कामा। यहाँ पर दोस्तों क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, तो क्राइटेरिया 1 दोस्तों यहाँ पर ये है, यानी यहाँ तक तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, ड्रैग कर दें, डबल क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग कर दें, alt इक्वल टू सम, तो वही आ रहा है। लेकिन दोस्तों फ़र्क क्या है इसमें, दोबारा मैं कर लेता हूँ, इक्वल टू सम इफ्स इनटू सम रेंज, ये जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दें कामा। क्राइटेरिया रेंज इसको सेलेक्ट कर दें कामा। क्राइटेरिया 1 दोस्तों इस आइटम को सेलेक्ट कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं, जैसे मैं कामा पुट करूँ तो Criteria Range 2 मांग रहा है। Criteria Range 2 में दोस्तों कौन सा आएगा, यानी ये तो हमने Criteria Range 1 दिया है। अब यहाँ पे दूसरा कोई प्रोडक्ट हो जिसको हमने सेलेक्ट करना है इस फार्मूला में, तो उसके लिए Criteria Range 2 अप्लाई होता है। फिर Criteria 2 हमने देना है, यानी Product 2 देना है, उसका जो हमने यहाँ पे कोई आइटम उठाया हो वो देना है। तो इस वजह से सम इफ्स यहाँ पे मुनासिब नहीं है कि हम इसको अप्लाई करें यहाँ, इस वजह से इसका जो वो है इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत बड़ा है एस कम्पेयर टू, यानी ये एक से ज़्यादा रेंज के लिए अप्लाई होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है, एक से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के जो कॉलम है उसके लिए अप्लाई होता है।
प्रोडक्ट जो कि जो डिफरेंट किस्म के कॉलम है उसके लिए अप्लाई होता है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ पे इसको सम इफ्स के अप्लाई करें। इस सम इफ का इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू सम इफ्स। आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जिसमें कई कॉलम हों, उसमें डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स का डेटा हो, उसके लिए सम इफ्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे सम इफ्स का ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई ना करें। यही मैंने कंपैरिजन आपके इस आज के इस लेक्चर में आपको बताना था कि सम इफ़ और सम इफ्स को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर का समझ आए तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाएँ, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।